मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी सुबह का 6:35 बज गए, तो थोड़ा टाइम के बाद मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए। लेकिन आज बड़ी वाली स्कूल जा नहीं पाएगी क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है, तो आज छोटी गुड़िया को लेके ही जाऊँगी मैं। तो मैं अभी जो वायरल चल रहा है ना फ्रेंड्स, सही में बहुत ख़तरनाक है। मतलब जिसके फैमिली में एक बार घुस रहा है ना, लगभग सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। मुझे हुआ, इसको छोटी वाली को हुआ, अभी बड़ी वाली को पकड़ा, तो डॉक्टर दिखा रहे, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको छोड़ने के बाद फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ा टाइम के बाद। अभी सुबह सुबह बाहर इतना ज़्यादा ठंड है ना फ्रेंड्स, तो स्वेटर पहन के हम सब बाहर जाते हैं। देख सकते हैं, मैंने भी पहना, मेरी छोटी वाली भी स्वेटर पहन रही है। आ गई फ्रेंड्स, मैं चाय बिस्किट लेके। आप सबने चाय पिया? नहीं पिया तो मेरे साथ पी लीजिए। मेरा गले का आवाज थोड़ा बैठ गया ना फ्रेंड्स, जो कोल्ड हो गया था ना मुझे बहुत ही ज्यादा, ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन ठीक हो रही हूँ, फिर बाद में कुछ दिन के बाद फिर पकड़ रहा है। सुबह के टाइम जब स्कूल जाती हूँ तभी कितना ठंडा लगता है, स्वेटर पहन के जाना पड़ता है नीचे, और अभी जितना टाइम जा रहा है उतना गर्मी ज़्यादा। गर्मी मतलब फैन के बिना रह ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा गर्मी लगती है। आज खाने में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे खा ही नहीं रहे और मेरे मुंह में भी इतना कुछ टेस्ट नहीं है खाने का, कुछ भी चीज़ का। एक चाय तो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इतना बार चाय पीती थी पहले, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद से एक ही बार चाय पीती हूँ। मतलब जो भी बना रही हूँ, जो भी खा रही हूँ, बहुत कड़वा लग रहा है। मुंह का जैसे टेस्ट ही चेंज हो गया। चाय पी रही हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊं। फ्रेंड्स, पूजा नज़दीक आने वाला है, थोड़े दिन के बाद पूजा शुरू हो जाएगा। दुर्गा पूजा, काली पूजा, काली पूजा मतलब दिवाली। तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे बड़ी गुड़िया उठ गई, तो उसको कुछ देती हूँ खाने के लिए। खा तो नहीं रहे बिल्कुल भी, तो भी मैंने पूछा क्या खाना है, थोड़े अंडा फ्राई कर दो, तो अंडा फ्राई करके देती हूँ, फिर उसके बाद मेडिसिन भी दूंगी, तो बिठा देती हूँ अंडा फ्राई। अंडा फ्राई बनके पूरा रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हाल देखिए फ्रेंड्स, कैसा हो गया कुछ दिन का फीवर में ही। फटाफट खाओ, फिर मेडिसिन दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर पूरा छोटा छोटा करके फूलगोभी को कट करके रखा,
इसका मैं एकदम सूखा सब्जी बनाऊंगी। तो यही कढ़ाई में तेल है, इसमें मैं बना लूंगी और तेल डाल के। काला जीरा, नमक, इसके अंदर मैं आलू भी डालूंगी। तो अभी मैं आलू कट कर लेती हूँ। फूलगोभी अच्छे से फ्राई करना हो गया फ्रेंड्स, अभी मैं इसको उठा कर रख रही हूँ। अभी इसी कढ़ाई के अंदर ही मैं आलू को भी अच्छा करके फ्राई कर लूंगी, फिर लास्ट में फूलगोभी और आलू को एक साथ मिला के उसके अंदर मसाला डालूंगी। नमक, फ्रेंड्स इधर भी मैंने तवा बिठा दिया, इधर भी और एक सब्जी मुझे बिठाना है। तेल डाल रही हूँ, ये भी जीरा, इसमें है बीन्स, आलू, गाजर, बैंगन। नमक, हल्दी। फ्रेंड्स मैं दोपहर के लिए ज़्यादा करके रोटी बनाई, क्योंकि बच्चों भी बोल रहे हैं मम्मा चावल ज़्यादा नहीं खाना, तो थोड़ा सा ही चावल बनाई मैंने। डाल दूँ जीरा पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, अच्छा रेड चिली पाउडर। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। डाल दूँ थोड़ा सा पानी, फ्रेंड्स अभी पूरा दोपहर 2 बज गए, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया, वो देखिए दोनों कार्टून देखते देखते खाना खा रहे हैं, और इधर मैंने भी ले लिया। ये देखिए रोटी, आलू, फूलगोभी की सब्जी। फ्रेंड्स आज शाम को आप सबको मैं एक जगह लेके जाऊंगी, कहाँ लेके जाऊंगी अभी बताऊंगी नहीं, शाम को पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। फ्रेंड्स फूलगोभी आलू की सब्जी ना सही में बहुत अच्छी बनी है। फ्रेंड्स सडनली लाइट का कनेक्शन ख़राब हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन दादा आए देखने के लिए, पूरा घर में लाइट बिल्कुल नहीं है। तो दादा देख रहे, इतना टाइम लगेगा पता नहीं, चलिए दिखाती हूँ। आया क्या लाइट? अच्छा हाँ, लाइट ठीक हो गया। अभी उधर भी लगाना है, हाँ वो भी, वो जो खाली जगह है उधर भी एक नया लाइट लगाना है, क्योंकि पुराना लाइट वो ख़राब हो गया। बाप रे, तो एकदम पूरा आपका हाथ में आ रहा है। उसका क्या हुआ था? वो तो ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, कुछ पार्ट हो गया मैडम, जल गया होगा उसका, ये एलईडी लाइट रहती है ना। हाँ हाँ, आता नहीं जल्दी, ना गया तो फैन भी ख़राब हो गया, वो भी चेक करके देख रहे क्यों ख़राब हुआ, कौन सा पार्ट ख़राब हुआ, तो वो भी चेंज करके देखा दादा। फ्रेंड्स सडनली इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम आ गया था,
तो इलेक्ट्रिशियन दादा को बुलाना पड़ा, तो अब भी ठीक करके गए। कुछ कुछ प्रॉब्लम जैसे दिखाती हूँ आप सबको। इधर ऊपर वो लाइट देख रहे हैं, वो लाइट सडनली बंद हो गया, बता रहे तार कहाँ का अंदर का क्या तार है वो कट हो गया। फिर उधर का बोर्ड का जो स्विच था वो तो ख़राब है कब से, उसमें भी चार्जिंग वगैरह लगाने का टाइम डाल लगता है, वो ठीक किया। ये फैन, ऐसा छोटा छोटा कुछ कुछ काम करके बिना चले गए, लेकिन ये काम करना ज़रूरी था क्योंकि इलेक्ट्रिक का चीज़ है, इसकी वजह से अर्जेंट करना पड़ा। सबसे जो बड़ी बात अब भी क्यों है, सडनली लाइट चला गया था, क्यों चला गया था वही देखने के लिए आए थे। और अभी शाम भी हो गया फ्रेंड्स, देखिए मैं आज सोची थी, आप सबको बताई थी ना मैं बाहर जाऊंगी आप कुछ दिखाऊंगी, मैं सोची थी आज दुकान जाना था, मुझे सलवार और साड़ी देना था दुकान में, लेकिन शायद बारिश होगा। फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ दुकान में, क्योंकि ये सलवार और साड़ी, इसका सलवार सूट बनाना है, इसमें ब्लाउज पीस कटिंग करके फॉल्स पिको करवाना है, तो इसके बाद में अगर जाऊँगी तो बंद हो जाएगा ऑर्डर लेना, क्योंकि अभी दिवाली दुर्गा पूजा सब नज़दीक आ रहा है, तो आज मौका मिला टाइम भी है तो जा रही हूँ। तो ये बोल के आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंडिंग कर रही हूँ। मेरे चैनल मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।